वहीं देखिए कल चौथे दौर की वोटिंग है, लेकिन उससे ठीक पहले सभी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिना नाम लिए राहुल गांधी पर हमला किया और कहा कि जितनी उनकी उम्र है उससे भी कम सीटें उनकी पार्टी जीतेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने यहां तक कह दिया कि इस बार कांग्रेस पार्टी आधिकारिक विपक्षी दल भी नहीं बन पाएगी। सुनवाएंगे आपको प्रधानमंत्री ने किस तरह से हमला बोला। मैं साथियों बड़ी जिम्मेवारी के साथ कहता हूं कि इस चुनाव के साथ साथ जहां विधानसभा के चुनाव भी चल रहे हैं, जैसे उड़ीसा में है, आंध्र में है, अरुणाचल प्रदेश में है, जहां जहां विधानसभा के चुनाव भी साथ में है, सिर्फ दिल्ली में 400 पार करेंगे इतना ही नहीं, विधानसभा में भी भारी बहुमत से एनडीए की सरकारें बनेगी और ये शहजादे को, उनकी पार्टी को उनकी उम्र से भी कम सीटें मिलने वाली है। और इस बीच राहुल गांधी ने एक बार फिर से चुनावी मुद्दों को लेकर बहस की खुली चुनौती दे दी है। देखिए, राहुल ने प्रधानमंत्री को बहस की चुनौती दी है, तो वहीं बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी कौन होते हैं प्रधानमंत्री से बहस करने वाले, उनके लिए तो हमारे कार्यकर्ता ही काफी हैं। देखिए लिखा गया है, राहुल गांधी ये लिख रहे हैं, ट्वीट किया था उन्होंने चर्चा प्रस्ताव पर राहुल गांधी के जो ये बयान है, उन्होंने अपनी बात रखी और साथ ही लास्ट में लिखा इन्होंने, इस संवाद में हिस्सा लेने की अपेक्षा करता हूं, भारतीय जनता पार्टी ने निशाना साधा है। इसको लेकर राहुल गांधी क्या कह रहे हैं देखिए जरा। कांग्रेस इस पहल का स्वागत करती है और चर्चा का निमंत्रण स्वीकार करती है। देश प्रधानमंत्री जी से भी इस संवाद में हिस्सा लेने की अपेक्षा करता है राहुल गांधी।